हैं इसको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी, यू कैन सी सूरह मुल्क ऑन इट। ओके, सो डज एनीबडी नो एनीथिंग अबाउट सूरह मुल्क? ये है कि ये इसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई है और ये कब्र के अजाब से बचाती है। किसको बचाती है? ये हमें, जो पढ़ने वाले को बचाती है, इसकी तलावत करते हैं। नबी पाक की सुन, वो पढ़ते थे शाम को, रात को, रिस्क के लिए। नहीं, अब मुझे ये, मैं मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम पढ़ते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब इंशाल्लाह हम ये सूरत स्टार्ट करेंगे और जब तक हम इसके एंड तक पहुँचेंगे, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है आके नीड टू रिसाइट इट, इंशाल्लाह वो चेंज हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट अल्लाह वांट्स फ्रॉम अस, एंड दैट इज द एडवाइस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। That's what we understand, inshallah. Maryam, disturb. समझ नहीं आया आपका। अब दोबारा disturbance हो आज फिर है, echo है। हाँ, दोबारा disturbance बहुत हो रहा है। जरा please फिर कहना क्या कहा है। Okay, let me mute everybody first. मुझे लग रहा है किसी के पीछे कुछ चल रहा है। तबियत का लग रहा है। Can everybody please mute themselves? Done. Yeah, मेरे ख्याल में किसी के पीछे हो रहा है, इधर से तो कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत, मुझे तो बहुत क्लियर आवाज आ रही है। Yeah, okay. Okay, let's see. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum assalam. So what I'm trying to say, ke inshallah after we have done this study of Surah Mulk, by the time. Assalamualaikum. By the time we finish it, inshallah, we will, our perspective, why do we recite this surah? क्यों पढ़ते हैं ये सूरत? तो हमको बचपन से, छोटे थे जब से बोली गई है ना कि सूरह मुल्क पढ़ के सोया करो। मोस्ट ऑफ अस वर टोल्ड बाय आवर पेरेंट्स, आवर मम्स, कि पढ़ के सोया करो रात को। क्यों पढ़ के सोया करो? क्या सिर्फ पढ़ने से ही हमें सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे? ये हम समझेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो है ना, आप सल्लम की एक हदीस है कि जो कोई सूरह मुल्क पढ़ के सोएगा उसको कब्र के अजाब से, मरियम अजाब से बचाएगी। मरियम, वो ये इको आ रहा है, सुने नहीं आ रहा है पास, ठीक है? तो व्हाट टू डू, कुछ लोग अनम्यूट हो गए ना? I don't know why I'm not able to mute everybody. Just one minute. Unmute. Is it better? If you can just nod your head, is it better? Okay. All right. So it's the hadith is, whoever reads Surah Al-Mulk every night, Allah will protect him from the torment of the grave. तो इस वाली सूरह को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसको अल-मानिया और इसको अल-मुंजियात भी कहा गया है हदीस में, जिसका मतलब है कि बचाने वाली, वो सूरह जो आपको बचाने वाली है। एक मिनट, आप जस्ट गिव मी वन मिनट, या वन मिनट। सॉरी, सो जो आपको बचाने वाली है। अच्छा, अब आप इसकी अगर दूसरे उस पर चले जाएं कि दूसरी इसकी नरेशन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जो हदीस है कि अस्सूरतु मिनल कुरान सलातून आया लिसाहिबिहा हत्ता युग़फर लहू, कि एक सूरह है कुरान की, असूरा फ्रॉम कुरान कंटेनिंग 30 वर्सेस विल इंटरसीड फॉर अ मैन सो दैट ही विल बी फॉरगिवन, एंड इट इज सूरह तबारक अल्लाह बियदिहिल मुल्क। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये नहीं कहा इस सूरत में कि सूरह मुल्क पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो ये 30 कुरान की एक सूरत है जिसकी 30 आयाज हैं। अब
आपको हदीस का कभी पैटर्न समझने के लिए थोड़ा सा इसकी स्टडी अगर आप करो तो ये क्यों कहा गया है कि 30 आयात, इसके पीछे भी बैकग्राउंड ये है कि जो सहाबा थे उस वक्त वो एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए जो है इस तरीके से बात करते थे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी का एड्रेस पूछता था तो हम बोलते हैं ना 5 मिनट अवे 10 मिनट अवे, इस तरीके से बताते हैं ना कि इसका घर कितना है, आज डा इज 5 मिनट अवे फ्रॉम माई हाउस। तो वो इस तरीके से बताते थे कि अगर किसी का घर करीब है, फॉर एग्जाम्पल उनसे कभी जैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो है वो बहुत करीब रहते थे, तो कोई उनसे पूछता था तो उनको बोलते थे कि इफ़ यू रिसाइट सूरह इखलास 3 times आप अबू अय्यूब अंसारी के घर पे पहुंच जाओगे। तो अगर किसी का और एक एड्रेस असाद बिन अबी वकास कहाँ रहते हैं, तो अगर आप इफ़ यू रिसाइट 60 ayahs यू विल बी देयर। सो एक्चुअली इट वॉज एनकरेजमेंट कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम just if you read the you can actually recite Quran in this much time. So aur agar hum apne andar kuch achhi qualities develop karna chahe na aur is ye Quran ko memorize karne ke liye bhi bahut achhi encouragement hai ki aap Quran ke kuch ayat jo hai na wo lena leke usko memorize karna shuru karo and then you start wherever you are going whatever you are doing. Hamara waiting period hai na, actually hamari life ka jo most of the period hai that is a waiting period. We are waiting for certain things, we are waiting for somebody to come, we are waiting for in a queue. Aajkal the queues hai na, so we are waiting in a queue, we are waiting hum lounges mein baithe hote hain, we are waiting for something, we are waiting for our children in the car, pick karna, drop karna, shopping, everything we are waiting. We can use that waiting time for this. And we can do so much. We don't realize we can do so much. So that's how Sahaba used to talk to each other. Wo jo apna jo time tha na, instead of minutes, they used to talk to each other in terms of these number of ayahs. Ke itna ayahs karoge to itni der lagti hai, actually. So that's how they used to talk. I don't know where if at one point. Some point we are able to talk like this, but inshallah, this is an encouragement for us as well. फिर जो है सेम हदीस। अच्छा, अब इसमें हदीस में जो है आज तक जो है हम लोगों ने ये समझा है कि जो भी सूरह तबारक पढ़ता है तबारक लजी उसको जो है वो उसके लिए जहन्नम के एक तो इसके ये है कि कब्र के अजाब से बचाती है एक हदीस के मुताबिक है कि वह आपको कयामत के दिन की जो सख्ती है उससे बचाती है, और एक हदीस में आता है कि वह आपकी शफात करती है यहाँ तक कि आपको अल्लाह ताला माफ ना कर दें, और एक हदीस की जो मीनिंग है उसके हिसाब से ये भी है कि वो आपको जो है जहन्नम के अजाब से बचाती है। यानी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि डाल दिया गया हो लेकिन सूरह तबारक अल्लज़ी जो है वो उसको वहां से भी निकाल लाएगी। तो इसकी इतनी इतनी अहमियत है। अच्छा, अब जो है अब ये हदीस में जो अगर आप जो अब हम थोड़ी सी जो अरबिक हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिसाहिबिहा। साहिब किसको कहते हैं, साहिब हम सहाबा कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं कंपेनियन को, साहिब कहते हैं कंपेनियन को। साहिबिहा अल्लाह ताला कह रहे हैं हदीस में है साहिबिहा, साहिब यानी उसने इस सूरत को जिसने इन 30 आयास को अपना कंपेनियन बना लिया। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि लिकारीहा कि जो उसका कारी है जो उसको रिसाइट करता है, कारीहा के लिए नहीं है। यानी ये कि ये अगर हमें इसको बेनिफिट्स चाहिए सूरह तबारक लजीज से तो हमें इसको इंटरनलाइज करना होगा। ये जो मैसेजेस हैं, ये सूरह जो हमें बता रही है, ये जो कह रही है, ये हमारे अंदर जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगी। तो यानी जो इम्प्रूवमेंट इस सूरत की वजह से हमारे अंदर आएगी वो इम्प्रूवमेंट एक्चुअली हमको ले जाएगी जन्नत में, वो हमें कब्र के अजाब से बचा लेगी, वो हमें ऐसे बहुत सारी चीजों से बचा लेगी जो कि हम इन नॉर्मल सिचुएशन शायद ना कर सकें। रोज पढ़ने की वजह क्या है,
روز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اور تو کسی سورت کا نہیں کہا کہ روز پڑھو, اس سورت کا کیوں کہا ہے؟ اور روز سونے سے پہلے پڑھو, روز سونے سے پہلے اس لیے پڑھو تاکہ روز تم کو ریمائنڈر ملے, روز تمہیں سمجھ میں آئے کہ آج کے دن صبح آج فجر سے لے کے رات کو جب تم بیڈ میں آئے تو آج تم نے کیا کیا کیا. تمہارا اپنا سیلف ایویلویشن کرو. سیلف ایویلو, جب انسان سیلف ایویلویشن کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ آج مجھ سے یہ ہو گیا ہے تو آئی ول ٹرائی کہ میں کل یہ نہ کروں. سو کیا ہے کہ ایک آپ کا کنٹینیوس نیور اینڈنگ جو ہے پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے کریکشن کا, امپروومنٹ کا. اگر یہ چیز آپ نہیں لے رہے ہو تبارک اللذی سے اور صرف آپ طوطے کی طرح پیرٹ کی طرح صرف روز پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھتے ہو تو آپ کو یہ اس کا بینیفٹ نہیں ملے گا. اس کا جو بینیفٹ ہے کنڈیشنل ہے, اس کی جو شفاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے. کیا ہم صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے گی؟ نہیں ملے گی نا. ہمیں شفاعت جب ملے گی جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو اپنی لائف میں لائے ہوں گے, آپ کی ٹیچنگ کے حساب سے ہم نے اپنی زندگی گزاری ہوگی, ہم نے کوئی انوویشنز نہیں کی ہوئی ہوں گی. جو آپ کے لیسن سے جیسا آپ نے بتایا ویسا ہم نے کیا, پھر جو ہے وہ آپ کی جو شفاعت ہے وہ ہمارے لیے کنڈیشنل, وہ پھر ہم اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے ایلیجیبل ہے. اسی طرح اس سورت کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے. ہر پڑھنے والا جو صرف انسان پڑھ لے اور اس میں کچھ بھی, آپ خود ہی سوچو نا کہ کوئی بھی چیز آپ کو فار ایگزامپل ایک لیفلٹ ملتا ہے ایک میڈیسن کے ساتھ, آپ نے اس کو پڑھ لیا, صرف اس میں جو لکھا تھا آپ کے لکھا تھا کہ آپ کی کنڈیشن کے حساب سے تو آپ کو نہیں کھانی ہے یہ میڈیسن, آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی کنڈیشن, فار ایگزامپل ایک پریگننٹ عورت ہے, اسے لکھا ہوا ہے کہ دس از ناٹ سوٹیبل فار اے پریگننٹ وومن اور بریسٹ فیڈنگ مدر, لیکن اس نے پڑھی بھی اور اس نے کھا بھی لی, تو واٹس دا پوائنٹ آف دیٹ لیفلیٹ؟ اس لیفلیٹ کی انفارمیشن جب اگر آپ نے اپنے اندر لی, اس سے کوئی بینیفٹ لیا تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا نا. تو اسی طرح ان 30 آیات کا بینیفٹ اگر آپ لیں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا. یہ بھی اس کا بھی وہی پیٹرن ہے. پھر جو ہے اس کے جو لیسنس ہیں نا سورہ الملک کے لیسنس کو اسکالرس نے ڈیوائڈ کیا ہے ڈفرینٹ, اس میں ڈفرینٹ کہ کتنے لیسنس ہیں. کچھ نے اس کو 5 میں کیا ہے, کچھ نے 6 میں کیا ہے. تو اس کے جو ایکسپلینیشنس ہے ایکچولی کہ اس کے 5 to 6 میسیجز ہیں, اس کی تھیمز ہیں. سب سے پہلا تھیم اس کی کیا ہے کہ لیسنس آف لائف اینڈ ڈیتھ. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو لیسنس آف لائف اینڈ ڈیتھ بتا رہے ہیں کہ لائف کیوں اللہ نے کریٹ کی اور ڈیتھ کیوں اللہ نے کریٹ کی. دوسرا یہ کہ اللہ کی توحید, کہ اللہ از دا اونلی کریٹر آف دا یونیورس, دوسرا میسج اس میں یہ ہے. تھرڈ کوسچن یہ ہے کہ اینجلز ول کوسچن پیپل تھرون ان ٹو ہیل. فرشتے جو ہے وہ پوچھیں گے جب ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا, حیرت سے پوچھیں گے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو ابھی لاک ڈاؤن ہے, فار ایگزامپل لاک ڈاؤن ہے اور کوئی آدمی آ کے کوئی ایسے بہیو کرتا ہے کہ جیسے اس کو پتا ہی نہیں, تو آپ اس کو حیرت سے نہیں پوچھیں گے تمہیں نہیں پتا کہ لاک ڈاؤن ہے؟ تمہیں نہیں پتا, ٹھیک ہے؟ آپ حیرت سے پوچھو گے نا اس کو. تو فرشتے بھی اس کو حیرت سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا آیا نہیں تھا, کیا تمہارے پاس قرآن بک نہیں آئی تھی اللہ کی, کیا تمہارے پاس اللہ کے میسنجرس نہیں آئے؟ مطلب وہ اس پہ ان کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ کوئی انسان جس کے پاس میسنجرس بھی آئے ہوئے ہوں, جس کے پاس قرآن اللہ کی بک بھی آئی ہوئی, پھر بھی وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ ایسی بھی پاسبلٹی ہے ان کے لیے, اتنی حیرت کی بات ہوگی. اور پھر دوسرا فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ دلوں کے حال جانتے. میں آپ کے سامنے کتنا بھی پریٹینڈ کر لوں کہ میں پتہ نہیں کہ میں کیا کرتی ہوں یا میں کیا ہوں, لیکن میرے دل کا حال کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. تو جو آپ کی جو اندر کی جو صفائی اور جو اندر کا جو اخلاص اور سنسیئرٹی ہے نا, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن وہ جو ہے آپ ایسے ہی اوور نائٹ نہیں آ جاتا, اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. آپ کی ایک شرٹ جو ہے فار ایگزامپل ایک وائٹ شرٹ میں جب ایک دھبا لگ جاتا ہے تو وہ کیا پہلی دفعہ میں کلین ہو جاتی ہے؟
नहीं क्लीन होती, यूजुअली नहीं होती. आप उसके लिए एफर्ट्स करते हो, आप उसको ब्लीच में डालते हो, आप उसके लिए कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करते हो, कभी कभी दो तीन दफा वॉश करना पड़ता है. तो इसी तरह हमारे अंदर का भी ऐसे ही है कि वो ऐसे ही सब नहीं हो जाता, उसको भी क्लींजिंग की जरूरत होती है. और फिर जो है जब आपके आपकी जो इंटेंशन जो सही होती है ना, तो वो सारी चीजें जो है ना, आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो दीन है ना वो है इंटर रिलेटेड है. आपकी हर चीज जब इन प्लेस होगी ना, कहते हैं ना कि एक पजल, बच्चे का पजल होता है, वो इसमें डिफरेंट पीसेस होते हैं. अगर उसमें से एक भी पीस मिसिंग हो जाए तो आपकी पिक्चर तो नहीं होती ना पूरी, वो इनकम्प्लीट रहती है. चाहे आपने हर चीज परफेक्टली उसकी जगह पे लगा दी, लेकिन एक पीस रह गया, तो आपका भी जब मतलब वो लास्ट पीस नहीं रहेगा ना, तो वो जो हमारी जो जन्नत की पिक्चर है ना, वो आएगी नहीं सामने. फिर फिफ्थ क्या है कि वी आर नॉट सेफ फ्रॉम अल्लाह पनिशमेंट. फिफ्थ जो पॉइंट है, हमें लगता है कि क्योंकि हमने कलमा पढ़ लिया है तो हमारा तो अब पैदाइशी हक है, हमारा बर्थ राइट है कि वी हैव टू गो टू जन्नत. कोई और है तेरे, कोई और बात है, मतलब ऑफकोर्स हमने जन्नत को अपने लिए बस समझ लिया कि चाहे हम कुछ भी करें, हम अपनी मर्जी करें, हम अल्लाह की ना माने, लेकिन अल्लाह ताला को हमें जन्नत में ही डालना. क्योंकि क्यों? बिकॉज हम नमाज भी पढ़ते हैं, स्कार्फ भी पहन लिया है. जो लोग ये पढ़ते हैं ना सूरत, वो भी यही कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है. जब हम इसको आगे समझेंगे तो हमें समझ में आएगी ये बात. इंशाल्लाह आज ही रात को जब हम ये सूरह मुल्क पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सूरह मुल्क हमें क्यों पढ़नी है इंशाल्लाह. और यही चीज हमें अपने अंदर लानी है. अच्छा, अब हमें जो थीम्स ऑफ सूरह मुल्क जो है ना, उन पे हम जाते हैं कि क्या चीजें जब हम रात को, आज रात को जब सूरह मुल्क पढ़ेंगे तो हम क्या किन चीजों के बारे में सोचेंगे. अब मुझे ये पता है कि हम में से किसी को भी ये इतना जरूरी, इतना इजी नहीं होता कि हर एक को पूरी पूरी तफसीर तो किसी को भी नहीं याद रह सकती ना, कि अभी जो मैं जितना भी बोलूंगी आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन ये रेकमेंड जरूर करूंगी कि ये जो 5 पॉइंट सामने नजर आ रहे हैं ना, आप उनको लिख के जहां पे आपकी सूरह मुल्क है ना उधर लगा दो, ताकि आपको पता चले कि मुझे आखिर ये सूरह मुल्क में पढ़ क्यों रही हूँ. जब आप रात को सोने से पहले एवरी डे जब आप अल्लाह ताला को, आप अपना कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद को रिवाइव करेंगी कि देखो अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, चाहे वो नो मैटर हाउ पीपल अराउंड अस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, बट नोबडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अल्लाह. दैट सेंटर सर्कल, दैट सेंटर पार्ट इज अल्लाह. सो टूडे, मतलब टुडे जब हम आज पढ़ रहे हैं, तो आज के दिन में मैंने ऐसी क्या कोई हरकत की थी जब मैंने अल्लाह के सामने, अल्लाह की बात के सामने अपने बेटे की बात को इम्पोर्टेंस दी, मैंने अपने हस्बैंड की बात को इम्पोर्टेंस दी, मैंने अपनी माँ की बात को इम्पोर्टेंस दी, अपने बाप की बात को, या अपनी फ्रेंड की, किसी एक्स वाई जेड. तो आपको, आप वहां पे आप सोचेंगे कि नहीं, अभी तो मैंने पढ़ा कि तबारक अल्लज़ी बियदिहि मुल्क, सारी चीजें तो अल्लाह के हाथ में है, तो फिर मैं क्यों किसी को इम्पोर्टेंस दूं, मैं क्यों किसी के लिए करके उस तबारक जिस जो सारी बरकत वाली जात है उसको मैं क्यों नाराज करूं. फिर सेकंड जो हमें अपनी रियलिटी पता चलेगी कि रोज हम अपने आप को याद दिलाएंगे, बिकॉज हम भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना है. हमको लगता है कि आज जो टेक्स्ट मैसेज आया था कि एक्स वाई जेड मर गया, एक्स वाई जेड मर गया, हमें लगता है कि हमारी सारी जिंदगी इसी में निकल जाएगी, हमें दूसरे के मैसेजेस आते रहेंगे, लेकिन कभी हम मरने वाले नहीं है. ये भी हमें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो ये सूरत हमें रोज बताती है कि नहीं, तुमने भी मरना है एक दिन. और इस सूरत की जो एक्चुअली कनेक्शन ही हमारी कब्र के अजाब से, जो हम पढ़ते भी तो इसीलिए है ना, लेकिन हम इसको बैकग्राउंड में पढ़ रहे होते हैं कि शायद शायद किसी दिन कभी कोई शायद पढ़ मर जाएगा, किसी दिन शायद कभी होगा, ये अभी तो ये होने वाला नहीं है. हम ये नहीं सोचते कि ये आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, ये हम नहीं सोचते. फिर ये कि रिमाइंडर ऑफ जहन्नम, अल्लाह ताला ने हमको बहुत ज्यादा जन्नत बता दी है ऑलरेडी, हम बहुत जानते हैं, लेकिन हम जो है ना इस सूरत में, इस वाली स्पेसिफिकली सूरत में आपको ज्यादा जहन्नम की बातें मिलती हैं. अल्लाह ताला आपको जहन्नम के अजाब के बारे में बताते हैं, वो सीन क्या होगा जब जहन्नम में डाला जाएगा,
जब अंदर जाओगे तो क्या होगा, उस वक्त तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, बाहर फरिश्तों का क्या रिएक्शन होगा, अल्लाह ताला आपको ये बताते हैं। जब आपको रोज रात को सोने से पहले जहन्नुम का मंजर, जहन्नुम का सीन दिखाया जाएगा, तो डू यू वुड यू वांट टू गो इन जहन्नुम? नो। व्हाट वुड यू डू? बी बेटर पर्सन। Exactly. अभी 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 हमको पता चला है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड में कोविड के पेशेंट ज्यादा हैं, हम क्या करते हैं? Keep away from it. उससे दूर हम अभी हमको आज हम रोज हम अपने कंप्यूटर में अपने फोन की एप्स में चेक करते हैं कि किधर केसेस ज्यादा हैं, केसेस कम हुए कितने हैं, कितना हुई है, चेक कर रहे हैं ना, बिकॉज वी आर कॉन्शियस अबाउट इट। दिस इज व्हाट सूरह मुल्क टेल्स अस टू डू, बी कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, बी कॉन्शियस अबाउट योर डीड्स। तो रिमाइंडर ऑफ जहन्नम, रोज जहन्नम का सीन आपको दिखाया जाए, अगर हमको रोज हम जब न्यूज में देखते हैं कि पेशेंट्स कैसे सफर कर रहे हैं, पेशेंट्स के पास वेंटिलेटर्स, जब हम इनिशियली जब ये हो रहा था हमारी हालत क्या थी, डर, लोग जो है वेंटिलेटर्स तक उनको नहीं मिल रहे हैं, तो हमें हम भी डर रहे थे ना, क्योंकि नहीं भाई हमें ऐसा, वी हैव टू बी केयरफुल, चाहे वी डिडंट लीव आवर हाउसेस, कुछ भी हमने नहीं किया, अपने हमने अपने लिए बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट की, लेकिन वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ्स। यू नो दिस सिचुएशन ऑफ कोविड एक्चुअली इज अ ब्लेसिंग फॉर बिलीवर्स। Mariam, can you please mute everybody? Phir echo aa raha. I did it and I think they have done it again. Just let me do it again. बहुत ज्यादा है echo. Okay. Okay. Is it better now? Okay. All right. Okay. So, this surah mulk is actually playing the same role, wo jo hum raat ko 10 o'clock ki news mein dekhte hain na sky pe aur bbc mein ki ye 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 ho raha hai, to hame hota hai ki nahi, oh is area mein zyada tha, I think we need to avoid this, friend ko phone kiya, text message kar diya, gupshup pe dal diya message ki is area mein zyada hai, be careful, this karte hain na, hum yahi kar rahe hain na aajkal. This surah mulk is actually our news bulletin every night, ki jahannam is there, ये होगा वो होगा ये 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 ये, when you are reading this every day and even then you are not trying to protect yourself from that jahannam, no one can help you, and that's why our prophet sallallahu alaihi wasallam has recommended us to go through these lessons every night. This is the purpose behind reciting this surah every night. Aur phir number 4 is क्या है कि रीएस्टैब्लिश कनेक्शन, ओके वो ओके, ओह माय गॉड आई डिड दैट टुडे, सॉरी अल्लाह, या अल्लाह प्लीज हेल्प मी दैट आई डोंट डू दैट टुमारो, टुमारो व्हेन आई वेक अप आई एम अ बेटर पर्सन, यू मेक दुआ, बिकॉज रात को सोते वक्त यू इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता ना, यू आर मोर फोकस्ड इन योर दुआज, इन योर एवरीथिंग, even whatever you are asking from Allah, you're more focused, especially kabhi hamare sath kuch koi cheez upset kabhi hum hote hain, sabse zyada hurt kis waqt hote hain, when we are in bed, aren't we, neend nahi aa rahi hoti hai, wo baat ghoom rahi hoti, kyun kaha usne mujhe aisa, kyun kaha, apna khoon jala 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 jala, usne to keh ke wo to bhul gaya ya pata nahi usko kuch farak bhi pada ke nahi pada, lekin hame bahut farak padta hai, to wo jo bed time jo hota hai na, wo bahut hi aapka ek quality time hota hai connection wise, क्योंकि उस वक्त हम कंप्लेन किससे कर रहे होते हैं, यूजुअली अल्लाह से ही कर रहे होते हैं ना, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, और एक्चुअली हम अपने सबकॉन्शियस में अल्लाह ही से बातें कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई हमको जवाब और नहीं दे रहा था ना, हम उसको किसी को फोन कॉल मिला रहे होते हैं, तो ये जो क्वालिटी टाइम है उस वक्त हमें अपने लिए सोचना है, वी हैव टू बी सेल्फिश अबाउट आवर सेल्व्स, ठीक है हमारी फैमिलीज हैं, हमारे बच्चे हैं, सब है, लेकिन अपनी कब्र में हमें अकेले जाना है, और अल्लाह के सामने भी हमें अकेले जाना है, ये जो दो टाइम होंगे ना उसमें हमारे साथ कोई नहीं होगा, जिन लोगों के लिए करके हम बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देते हैं, सेक्रीफाइस देना अलग बात है, लेकिन वी हैव टू थिंक अबाउट आवर आखिरा, तो जब रात को आपको लगे कि दिन में आज दिन में मैंने कुछ ऐसा जरूर किया था जो किसी ऐसी की वजह से था जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे बच्चों का होता है, हम अपने बच्चों से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते, मुझे लगता है हम अपने पेरेंट्स से भी इतना प्यार नहीं करते जितना हम अपने बच्चों से प्यार करते, तो और उन्हीं की वजह से हम कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं,
तो हम रीएस्टैब्लिश करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला से बोले अल्लाह तू हमारे लिए इजी कर दे, हमारे लिए इजी कर दे कि हम ये चीजें ना करें, हमारे लिए इजी कर दे कि हमारे हार्ट के जो सेंटर में है ना बस आप आ जाए। तो ये रोज, और जब आप ये रोज करोगे यू विल सी द इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली, बिकॉज आवर प्रॉफिट हैज सेड इट एंड हिज एडवाइस इज द बेस्ट एडवाइस। फिर फिफ्थ मैसेज क्या है कि अल्लाह ताला नीड्स क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इन आवर डीड्स। अल्लाह ताला डजंट वांट कि आज के दिन आपने 100 नफल पढ़ लिए, पैर सोच गए, हर नफल में हर में लंबी लंबी सूरतें, शायद सूरह अल बकरा याद है तो हर आपने रकत में सूरह अल बकरा पढ़ ली, शाम तक पैर सूज गए, इतनी स्वेलिंग हो गई कि अब खड़े नहीं रह सक रहे, अगले जो है शायद एक हफ्ता फर्ज नमाज के लिए भी नहीं खड़े होंगे, शायद बैठ के नमाज पढ़ेंगे, यही होगा ना। अल्लाह ताला डजंट वांट दैट, अल्लाह ताला वांट्स, अल्लाह ताला ने बताया एक पैटर्न हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट करके बताया, इतने नफल पढ़ लो काफी है, दिन में 12 पढ़ लो। अल्लाह ताला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोल्ड अस रात को इशा के वक्त 4 फर्ज 2 सुन्नत और नमाज, बस नमाज इतनी है, 17 रकत नमाज हमारे प्रॉफिट ने नहीं बताई। तो आपने जब वो पढ़ ली फिर तीन बितर जो है एक्चुअली दे आर सलातुल लैल, दे आर सलातुल लैल। हम जब वो पढ़ते हैं दोज ऑफ अस हु आर नॉट एबल टू वेक अप लेटर ऑन एट नाइट और वी कैन नॉट प्रे तहज्जुद, दिस इज इक्वल टू दैट, दिस इज आवर लैल। सो वी नीड, but we have to be consistent, we have to do it every day, maybe inshallah Allah agar hame taufeeq de, instead of 3 rakat witr, why can't I add 2 more rakats to it? 2 rakat is not hard, inshallah from today I will start praying 5 rakat witr, isha ke baad, isha ke witr se pehle either you can either pray it 5 together or pehle apne 2 padh li phir 3 padh li, main apni 2, lekin consistency every day, I need to be consistent in whatever I'm doing, whatever, isiliye quality not quantity, quality and consistency. To ye jo 5 points hai na, ye hame apni surah mulk jidhar hamari hai na udhar ye laga lena hai taki hame pata chale ki ye surah mulk ko padhne ka hamara maqsad kya hai. Tha ek aur cheez ke surah mulk jo recommended hai wo ye hai ki raat ko sone se pehle लास्ट जो आपका काम हो ना वो यही हो कि मैं अपना सेल्फ एवेल्युएशन करूं कि रात को सोने से पहले कि मेरे से आज क्या गलती हुई। लेकिन इन केस अगर आपको, हर एक को तो सूरह मुल्क याद नहीं होती है और कभी कभी रात को सोने से पहले वजू करना भी मुश्किल लगता है, और ये बात बहरहाल है कि आप कुरान की तिलावत वजू के बगैर नहीं कर सकते अनलेस कि आप अपने फोन पर पढ़ रहे हो सोने से पहले, आप अपने फोन पर सोने से पहले पढ़ लो, लेकिन आप इशा के बाद एक मरतबा इसकी तिलावत कर लो, बहुत ज्यादा देर लगती नहीं है इसमें, छोटी सी सूरत है, इट्स ओनली 30 आयत, और जब आप इसको रोज पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वैसे ही ये याद होनी शुरू हो जाती है। तो ये इसके जो है, ये सारे इसके जो है ब्रीफली जो है इसके ये बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब हम अपनी जो है तबारक अल्लज़ी जो सूरत है इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जो है ये जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी, ये आप लोग के पास आई होप कि प्रिंट आउट्स होंगे, प्रिंट आउट्स नहीं है तो आपके पास अपने कुरान होंगे, जो भी है नोटबुक्स होंगी तो आप उसमें अपने जो मीनिंग है उसको आपने लिखो, तो बिकॉज क्या होगा कि जब वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स आपको समझ में आते जाएंगे, आप एक दो सूरत कुरान की कर लोगे, सो यू विल बी एबल टू डिराइव ट्रांसलेशन योर सेल्फ इनशाला, because you'll be familiar, you'll be getting familiar with the pattern, you'll be getting familiar with the words, or words to have, they are continuously repeated. Alhamdulillah, we have done our course of this words of Quran and we have done a lot of words already from there, so we have got some vocabulary. Yeah, okay, so now this tabarak allazi, so what is tabarak? Tabarak is, tabaraka is the word from baraka, hum urdu mein bhi bolte hai na barkat, बरकत। वी ऑलवेज गिव दुआ टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल वी से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वी गिव दुआ ऑफ बरका, ठीक है ना, वी आर गिविंग दुआ के अल्लाह गिव्स बरका टू यू, एंड हम कहते हैं कोई हमें इफ कुछ देता है, वी समबडी सेज जज़ाकल्लाह खैर, वी से बारकल्लाह, बारकल्लाह फी, बोलते हैं ना,
What is that dua? It's the dua of barakah. So this is the same barakah. The barakah means greatly blessed. Greatly blessed. And we know that we are talking about Allah. But tabaraka means, the word tabaraka actually means is greatly blessed. Greatly blessed. Urdu mein we can say ke bahut barkat hai. Theek hai na? Bahut barkat hai. And it is, in English, it is greatly blessed. Okay. Now, what is baraka? When we use a word baraka, so what is baraka? Sir, can anybody unmute themselves and tell me what is baraka? Anybody? Nobody knows what is baraka. Humko to bahut baraka chahiye sabko. Is it prosperity? Okay, prosperity. Okay. Is it blessings? Blessings. I think it's blessings. Okay. Okay. It is actually, yes, prosperity, blessings, everything. Actually, whenever we use word baraka, whenever we use word baraka, it has got three meanings. And actually, we mean all three. We want to have all three of those. First is, it says ziyadatul khair. In Arabic, it says ziyadatul khair means excessive goodness. Excessive goodness. So what you mean, ke whatever is there, usme excess ho jaye. Matlab jitna hai usse bahut zyada ho jaye. ठीक है ना. एक तो ये कि जितना है उससे बहुत ज्यादा हो जाए, यानी ये कि अगर कोई कोई भी चीज है तो वो उससे ज्यादा हो जाए जो वो है. सेकंड जो उसका मीनिंग है वो है फौक तवक्को, यानी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन यानी ये कि जिसमें, जिस भी चीज में बरकत का एलिमेंट होगा ना, वट एवर थिंग हैज गॉट बरका, इट विल गिव यू मोर देन वॉट यू एक्सपेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना बनाया, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मैंने खाना में इतनी बरकत हो गई. प्लीज म्यूट कर लो दोबारा सबको. ओके. ओके. सो बरका इस, हम कभी अपना खाना बनाते हैं, कभी हम कोई चीज ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं इसमें बहुत बरकत हो गई, इसमें इतनी बरकत हो गई ना कि मैंने खाना तो थोड़ा ही बनाया था लेकिन सबको पूरा हो गया और बच भी गया. सो व्हाट इज दैट? इट्स वाज मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन व्हाट यू थॉट, वो आपको मिल गया. अब ये वाली जो बरका है ये हमको मिलती है, आपको हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं ना, कभी नहीं करते हम के कभी कभी हम लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि कभी कोई अचानक से हमारे घर पे आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, और हमने तो वही दो तीन लोगों का हमारे घर में खाना पका होता है लेकिन आप उसको शामिल कर लेते हो अपने खाने में, लेकिन अल्लाह ताला उस खाने में इतनी बरकत दे देते हैं कि वो आराम से सब खा लेते हैं और कभी कभी वो थोड़ा सा बच भी जाता है. होता है ना, हर एक के साथ होता है. आपने बनाया और ये बरकत हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में हर जगह नजर आती है. हमने सीरा में देखा है कि एक कप दूध होता था, उसमें सारे पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ सहाबा ने पिया, वो दूध बचा रह जाता था. वो क्या थी? बरकत थी. बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था ना, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वलीमा हुआ था, जब हजरत ज़ैनब के साथ निकाह था, तो एक प्लेट किसी ने खाने की भेजी थी नेबर्स में से, और उस खाने को कितने लोगों ने खाया था, कितने सहाबा ने खाया था, कि जो लेके आया था ही वॉज एम्बेरस्ड व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड हिम कि सबको बुला के ले आओ, एंड ही वॉज सो एम्बेरस्ड कि कैसे ये सबको पूरा होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाया. जब जंगे एहजाब के मौके पे एक सहाबी ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूखा देखा तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि थोड़ा खाना के घर में कुछ है, तो उसने कहा कि बस इतना है कि चार पांच लोग खा सकते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं जो हूँ आप प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर जो करीब करीब के हैं ना, उसे उनको खामोशी से बुला के ले आऊंगा. और उन्होंने उनके कान में जाके बोला कि जो है मैंने आपके लिए खाना तैयार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस कर दिया कि चलो सब हमारे लिए खाना पका है, हमारे लिए दावत की गई है, और सब गए और सबने खाया. ये हमने पढ़ा है ना, ये सब हम उसमें पढ़ चुके हैं. ये क्या थी? ये होती है बरकत, ये होती है बरकत. और ये बरकत किससे आई? तवक्कुल से. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पे तवक्कुल किया?
अल्लाह पे तवक्कुल किया कि अल्लाह ताला इसको सबके लिए कर देंगे इनफ। कभी कभी हमारे दिल बड़े छोटे हो जाते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कभी कभी कुछ होता है कि हमें कभी कभी हमें होता है कि कोई चीज अगर कम होती है तो हमारा दिल नहीं चाहता कि हम उसके किसी को सामने निकालें। टेंशन होती है ना कि पूरा कहाँ होगा या हमें ही नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा ये होती है कि अब इतना तो इतनी तो मुझे इतना पसंद है, अभी दो ही तो मैंगोस पड़े हैं, मैं कहाँ निकाल लूँ, अब ये किसको पूरे होंगे, इससे पहले जब ये लोग जाएंगे तो मैं ही काट के खा लूंगी। तो हमें क्या है कि हमें वो शायद वो जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाला जो तवक्कुल है ना, वो है नहीं हमारे अंदर। जब ये आ जाएगा ना तो, और जिन लोगों में ये है, अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये तवक्कुल है, जो कि नहीं सोचते इन चीजों के बारे में, एंड दैट इज अ रियल फ्लेवर ऑफ बीइंग अ मोमेंट। दैट इज अ रियल फ्लेवर ऑफ बीइंग अ मोमेंट। सो क्या है कि बरका में क्या है कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, और थर्ड जो बरका में जो का जो मीनिंग है ना वो है अल बका, यानी ये कि जो चीज भी है ना उसमें एक स्टेबिलिटी होगी, यानी वो बाकी रहेगी। तो यानी जब हम किसी को दुआ देते हैं फॉर एग्जाम्पल की बरकत की, हम जब किसी के घर जाते हैं हम कहते हैं कि बहुत अच्छी दुआ देते हैं हम, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, देते हैं ना, देते हैं। जब किसी अगर खाना खाते हैं और हमें एनकरेज किया गया है कि हम ये वाली दुआ दें उसको, तो यानी एक्चुअली हम उसको क्या दुआ दे रहे हैं कि जो चीज तुम्हारे पास है वो ज्यादा हो, जितना रिस्क है वो तुम्हारे पास एक्चुअली ज्यादा हो जो रिस्क है, और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जो तुमने सोचा नहीं है उससे भी ज्यादा हो। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, एक लिमिटेड एक्सपेक्टेशन है ना, मैं एक ह्यूमन बींग हूँ, मेरे दिमाग में एक इतना सा चल रहा है, मैं सोचूंगी 100 200, लेकिन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन क्या है, इन्फिनिटी। वी डोंट नो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन के, यानी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतनी बरकत हो और हमेशा रहे, बाकी रहने वाले, यानी कितनी खूबसूरत दुआ है बरकत की। तो यानी ये जो दुआएं हैं, अल्लाह ब्लेस सईदा आंटी के, उन्हें जो हम एक दूसरे के घर जाते थे और उन्होंने वो हमें कार्ड्स पर प्रिंट करके दिए थे कि ये वाली दुआ जो है जब हम, और ये नहीं कि सिर्फ हम फ्राइडे को एक दूसरे के घर जाए तो बस एक दूसरे को फ्राइडे वालों को ये वाली दुआ दें, हमें ये दुआ हर एक को देनी चाहिए। हम वैसे भी एक नॉर्मल सिचुएशन में एक दूसरे के घरों पे जाते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं चीजें, तो हमें बरकत की दुआ देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला जो, अच्छा अब बरकत, अब मैं बोलूं कि अगर आपको कोई बोले कि, मैं आपको बोलती हूँ कि मेरी मेरी दुआ में बहुत बरकत है, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह आई एम सॉरी मैं बहुत बुरी एग्जाम्पल दे रही हूँ लेकिन इसे समझाने के लिए दे रही हूँ, तो अब आप लोग क्या करोगे, अब आप मुझे सब बोलोगे कि मेरे लिए दुआ करो, है ना, आपको लगा कि अब इसकी दुआ तो कबूल होती है, इसकी दुआ में बरकत। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तबारक, तबारक यानी फुल, ये सारी बरकत जो हम किसी को जिस दुआ जिसको देते हैं, ये बरकत देने वाला कौन है, अल्लाह खुद, वो जात है उसकी तरफ से ही, वो ये सारा ये जो पाइपलाइन है ना, ये जो सारा जो वायरिंग है ना, ये सारी कनेक्शन आ कहाँ से रहा है, उस तबारक के पास से। तो यानी ये तबारक का मीनिंग है उसमें, इस बरका में ये तीन मीनिंग शामिल है कि जो है हमेशा रहने वाला बहुत ज्यादा और एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। तो यानी ये चीज किसके पास है, अल्लाह के पास है। तबारक अल्लज़ी, अल्लज़ी हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने लेसन में, अल्लज़ी का क्या मतलब है, द वन हु, वो जो, उर्दू में आप बोल सकते हैं वो जो, ठीक है ना। तो तबारक अल्लज़ी ग्रेटली ब्लेस्ड इज द वन हु। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो, अच्छा पहले मैं इसकी दो वर्ड्स आगे करती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या चीज है। अच्छा फिर है बी या दी ही, बी का क्या मतलब होता है, साथ, इन, विथ, वी हैव डन इट, इजंट इट, वी हैव डन आवर प्रेपोजिशंस, सो बी, वी डिड बी, डू यू रिमेम्बर, या एंड वेयर एल्स वी यूज द वर्ड बी, बिस्मिल्ला, ई विथ, इन, ओके, सो यद, यद किसको कहते हैं, हाथ को कहते हैं, यद, हैंड, हैंड, या बी यद, ही क्या होता है, हमने कहा था किताबी ही, कलमी ही, तो क्या हो गया, बिलोंग्स टू हिज पोजिशन, उसकी पोजिशन है, अल्लाह, इन हिज हैंड,
इन हिज हैंड. अब अल्लाह का हाथ, अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्लाह का हाथ, तो फिर वो ये सारी चीजें छोड़ के, तबारक अल्लाह जी, सारी मुल्क कायनात सब छोड़ के अल्लाह के हाथ पे डिस्कस करने बैठ जाते हैं, वो अल्लाह का हाथ कैसा होगा, अल्लाह का हाथ हमारे अल्लाह के हाथ में 5 फिंगर है 10 फिंगर है कैसे है. कुछ लोगों ने तो एक्सप्लेन भी करना शुरू कर दिया है कि अल्लाह का हाथ ऐसा है वैसा है. हमें बोला गया है कि आपको इस बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है अल्लाह का हाथ कैसा है. बस हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहते हैं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन भी होती हैं. वी कैन नॉट इमेजिन दैट. एंड व्हाई वी कैन नॉट इमेजिन दैट, इसकी क्या रीजन है? क्योंकि अल्लाह ने अपनी जात को हमारे लिए एक सरप्राइज रखा है. हम कब देखेंगे अल्लाह को? कयामत के दिन. कयामत पे. अच्छा, माल होंगे जन्नत में. जब जन्नत में देखेंगे हम, कयामत के दिन नहीं देखेंगे अल्लाह को. कयामत के दिन में भी अल्लाह हमसे क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है दैट विल बी बिहाइंड द कर्टन, बिकॉज अल्लाह हर एक को अपने आप को नहीं दिखाएंगे. जन्नत के भी कुछ लोग कहते हैं कि दर्जे हैं, हो सकता है कि जो लो वाला दर्जा हो उधर उनको भी ना दिखाएं. इसलिए कि ये जो है ना, ये भी अल्लाह की एक जो सबसे बड़ी जो नेमत है ना कहते हैं जन्नत की, वो ये अल्लाह का दीदार, मर्सी, अल्लाह को देखना. अल्लाह को देखना एक ऐसी नेमत है जिसको आप, हम तो शायद सोचते भी नहीं, पता नहीं हमें आरजू भी है इस बात की, हम में से कितने लोगों को इस बात की आरजू है. क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी इज अ डिफरेंट थिंग. एक होती है ना आरजू की, नहीं मुझे अल्लाह को देखना है. आरजू आप किस चीज की करते हो ना, किसी चीज की विश, विश आप किसी किस चीज की करते हो? बहुत सारी चीजों की. समथिंग यू वांट, यू रियली वांट, समथिंग यू रियली वांट, उसकी आप विश करते हो, ठीक है ना. क्यूरियोसिटी आप किसकी करते हो? जिसके बारे में जानना. वो ज्यादातर नेगेटिविटी होती है ना. यू आर क्यूरियस टू नो के ओ उसके बारे में मुझे कुछ पता चल जाए, है ना वो. लेकिन जो विश आपका, जो मोहब्बत वाली जो एक होती है ना, कि मेरी विश है कि मैं अल्लाह को देखूं, और वो विश भी आपको उसी वक्त आएगी जब आप अल्लाह से और उसके कलाम से कनेक्टेड होते हो. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बियदिही, तो ये जो मैंने जो बियदिही पे जो इतनी लंबी बात की, वो मैंने इसलिए की कि हमें ये नहीं सोचना कि अल्लाह का हाथ कैसा है, ठीक है. इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है. इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस के वो अल्लाह का हैंड है. किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, अपने आप को म्यूट करें, फिर एको हो रही है. अच्छा, सब बहुत नॉटी हुए हैं ना. ओके, ऑलराइट, ओके. अब है बियदी ही मुल्क. मुल्क क्या होता है? मुल्क का हमने वर्ड सुना हुआ है ना. मुल्क, मुल्क होता है किंगडम, किंगडम, बादशाहत, किंगडम, किंगडम. बियदी ही मुल्क, अब जब किंगडम होता है ना, डोमिनियन, किंगडम में हर चीज इंक्लूडेड होती है. एक्चुअली यूनिवर्स, अल्लाह इज नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड. अल्लाह इज नॉट सेइंग बेदहिल दुनिया. अल्लाह इज सेइंग बेदहिल मुल्क, यानी ये कि जो इस दुनिया में जो चीजें हैं ना, इस दुनिया में मे बी देयर माउंटेन्स, देयर सीज, देयर वट एवर इट इज, बट अल्लाह किंगडम इज बियॉन्ड दैट. अल्लाह हैज गॉट मोर देन वॉट वी नो is present in this world. So Allah has got everything, and what and these things are actually in his hand. If something is in my hand, if this pen is in my hand, I can do whatever I want, isn't it, with this pen. I can even throw it to somebody, I can write with it, and it is mine. So all this is Allah's, it belongs to Allah, and actually they are in his hand. And then after that it sings wa is and Hua is he. Hua is he. We all know that was our first lesson. Hua, he, Allah. On. Kulli. Everything. Thing. Qadir is powerful. Capable of. One who is capable of. So, yes, it said, and Alhamdulillah, I think in this part, we know all the words. Wa. Huwa, Allah, Kulli, Shayin, Qadir. Did we know all this before we started our Salah course? Maybe some people did, but not all of us. Yes.
So this is the benefit. This was the benefit of what we did. And may Allah put baraka in what we learned in that short course to understand the whole Quran. This is the dua. This is the baraka we need from Allah. That we internalize everything. We just don't read everything. We apply it. We internalize. We internalize. Sabse pehle, we internalize this surah. And actually, if we do that, according to our hadith from, and these are all these sahih hadith, this is our visa to Jannah. This is a guarantee that we will not be punished in qabr. We won't be worried. We will be confident that inshallah, no, we have applied everything in it. And our Prophet has said that, I'm okay, inshallah. It may be very hard to apply this. Maybe my life, my worldly life will become difficult. But inshallah, my permanent life will be fine. Temporary life may ho sakta hai ke upar niche ho, but my permanent life will be inshallah fine. So, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Blessed is the one in whose hand is the kingdom of the kingdom and he has power over all things. Uska aap Urdu mein kya bologe ki bahut babarkat hai wo jiske haath mein hai badshahat aur wo har cheez par qudrat rakhne wala hai. So that is one ayah. We have done all the word by word. Wo jo maine sheets bheji thi, the purpose was that if you want to write word by word meaning, you can write on it. I don't know if you have done it, but I would strongly recommend that you write each and meaning of each and every word. Have you written it? Yes. Yes. Please write it. Yeah. Please write it. Or you can just take a picture or whatever. You can see it online as well. But when you are doing it while you are understanding something, it remains with you. It's easier to remember that. Then again, acha. एक और चीज एंड राइटिंग भी हेल्प करती मरियम है ना राइटिंग अगर लिखते हैं तो फिर ज्यादा रहता है आप भी ट्राइंग Exactly. Writing always helps in memorizing. Okay. अच्छा इधर अब आप देखो कि इस आया में एक और चीज जो है देखते कि you know because Allah has said to us what you know the last lesson of our understand Quran what was that tafakkur and tadabbur isn't it ponder so we need to start exercising that pondering. Okay, what does Allah say? We are saying Allah, 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 Allah is that. Allah is barakah. Allah has got all his that power. Where is Allah in this ayah? I cannot see word Allah in this ayah. Can you? Yeah. Allahzi. Allahzi. Yeah. Allahzi. Where is Allah? Tabarak. Khalaka. He created. No. There is no creation here. Yeah? There is no word created in this ayah. No, tabarak na. जिसे हम पढ़ते हैं अल्लाह की इशारा जो है अल्लाह की तरफ है अल्लाह का नाम तो नहीं है Actually, Allah this surah was revealed in the middle, after the prophethood. It was revealed in Makkah between 6 and 9 years of the prophethood. Yeah. So actually, this ayah was revealed to Quraysh. They were Sahaba. And the other audience, there were two audiences, isn't it? Those believers, which were companions, and the non-believers, yeah? So, you know, like just you and I said, of course Allah, who else can have barakah? Who else can give barakah? Who else has got infinity? Who else has got this capability of doing everything? Of course Allah, isn't it? Actually, Allah is asking because they used to listen to all the ayah. They used to listen to Quran because they wanted to find faults in it. So there was no message or no revelation for Quran. They will not listen to because you know, जब किसी चीज़ में कीड़े निकालने होते हैं, तो you want to know how can you take the kiras out unless you know it. Unless you know about it, so they wanted to. So Allah is actually saying, you know, these qualities. So this Allazi, we put, this is actually fill in the blank. Allazi, the one who,
So we just actually without even alhamdulillah, 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 without even thinking about it, we just put there. Allah, of course, who else? But Allah is actually asking them a question as well. Who do you think you are going to put it here? If a non-believer, if non-Muslim reads this ayah, you know, Quran is for everybody, isn't it? It's not only for us. So actually, if somebody is reading these ayahs sincerely, and you know, this is a power of Quran, you will still, in this time, you will see people, you ask them, they convert, and you ask them, why did you convert? They say, we read Quran. Yes, I've seen many, yes. And that is the power, because when they read this, they think, who else can be that? Cannot be Jesus. He was all himself a person who was created, but he was sent. He was born. Can somebody who was born, can he have this quality? No. So who was giving him barakah? Who, when he was not born? When he was in the womb of his mother? So there is a very big gray area there, isn't it? When they think that he is God, so while he was on those 9 months stages of development in his mother's womb, who was God then? Who was running the world? He will think if he is sincere, if you know, you will only get from Quran what you want from Quran. If you are sincere, you will get truth. If you are only reading it just to find faults from it, you will go astray. That's why Allah say, Yahdi mayasha, yudillu mayasha. Dono cheeze aapko is Quran se milti. Hidayat bhi, guidance bhi, aur gumrahi bhi. So ye jo allazi hai na, so that's why so alhamdulillah, we know that of course they cannot be anybody else. We cannot put here anybody, but somebody who doesn't know anything, who is so much into his dunya, they might think, actually maybe first of all they will not even think, they might even not even read, isn't it? So anyway, then you will see in this surah Allah hasn't mentioned his name. Even in the next ayah he said allazi, the one who. Next ayah begins with allazi tu, the one who. Khalaqa. Khalaqa means we have done khalaqa. Khalaqa, khalaqa, khalaqu. He created. He created. Al-maut. What is al-maut? The death. Death. The death. Al is the. If it was maut, death. Al-maut, the death. Wa, and al-haya, the living, life. Life, the life, the death and the life. Okay, the one who created death and the life. Li, yab, lu, wa, kum. There are three words in it. Li, Yablu and kum. Kum. Underline it. Li, yablu, kum. There are three words. Li, yablu, kum. If you don't have printouts, please have your Quran mushaf in front of you and just underline it with pencil so that you know there are three words. Li, yablu, kum. Li means so that. We have done li. Yes. Li means so that. Yablu means yes. Bala yablu. You know, bala yablu is this is also a verb. Bala yablu. Bala is past. Yablu is present. Yablu is, and how do we know that it is present? The first sign is ya. Yablu. So yablu means test. Test. He tests you. Azmaish. Jisko kehte na azmaish. हम बोले बला कह कितनी उर्दू स्पीकिंग लोग बोलते हैं ना बला, बहुत बड़ी बला है ये, तो बोलते हैं ना मुसीबत को बोलते हैं ना बला, हम किसको बोलते हैं मुसीबत को बोलते हैं ना, उर्दू में भी यूज करते हैं, तो बला इज व्हाट, मुसीबत, टेस्ट, ट्रायल, आजमाइश. कुम, व्हाट इज कुम, यू ऑल ऑफ यू,
so that Allah test all of you. So that Allah test all of you. Ayyukum. Ayyukum. Two words again. Ayyukum. Ayyu means one. Actually, it means which one. Which one. Yeah, which one? Kum, all of you again. Yeah, but it will mean which one of you or which of you. Which of you. Noise are you, yes, Mariam? Okay. Ayyukum, is it better? Okay. Ayyukum. Which of you? Are you? Which of? Which? Kum? You, all of you. So which one of you? Ahsan. Ahsan is best. Ahsan is best. Amal. We know. What is Amal? We know Amal. We use it in Urdu as well. Amal is your action, deed. So which one of you is best in action? And then wa and huwa he. Aziz is always mighty, the mighty, and Al-Ghafoor is the most forgiving, the most forgiving. Okay, so Allah is saying that the one who created death and lives so that he may put you to test to find out which of you is best in deeds. So first, Allah has mentioned maut first and then hayah. Can you see? First is خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. So Allah, why has Allah mentioned death first? Allah has mentioned death because we are already born. Okay? We are already born. So Allah is actually telling us to think about death. Allah has created death and then has in hayat. So, and which hayat is that? Our life. Life after death. When we die, what happens? Ruh aati hai na wapas. Next life starts. Hum khatam nahi ho jaate. Ji. Next life starts. And whatever we do here in these 60 years, 70 years, 80 years, 40 years, whatever Allah has written for us, whatever time Allah has written for us, this will determine what we get in that next life. This will determine what we get in our next life. So, Allah is saying that Allah has created you. You are already here. Allah has created you. But He has also created death. You are going to die one day. You are not going to remain here. And then Allah has created that life, the other life as well. That once you are dead, once you die, your other life begins. And why has He done it? So that He can test you. Why are we here? So that we can just do whatever we like, what all the movies on Netflix we like, whatever, wear whatever we like, do whatever we like. Has Allah, are we here in this life, in this dunya for that? Okay, if we are, if we want to do it, can anybody stop us? No. But what will happen? There is in the other life, there are only two destinations, Jannah and Jahannam. There is no in between. There is no in between. There is no economy class. There's only first class and third class. And third class is Jahannam. So, if we don't, Allah is saying that this is your test. Allah is testing you, and then He will know ayyukum ahsanu amala, who is best, who is best. Allah has used the word, not hasan, ahsan, best. We have to be best. Whatever, I always say, what
ever I'm doing. You are cook, best cooking. You are a teacher, best teacher. You are a mother, best mother. You are a daughter, best daughter. You are a receptionist, best doctor. Whatever role you are playing in the society, it has to be best. And then, Asanu Amala, Wahua. And he is Azizul Ghafoor. He is mighty and he's most forgiving. You have done your best. You have done your best, but maybe some of you fell short. Something went wrong. Still, you were not best. Allah knows. Allah knows that you tried your best. So he will forgive all the shortcomings because he is Al-Ghafoor. So there's hope. There is a test and then there is a hope. Allah is saying, don't worry. Don't think that, no, oh, I was not best. And I'm not going to get all the goodness from Allah now because I wasn't best. No. Allah will only judge you with your effort, based on your effort. You gave your best, Alhamdulillah. But you, if you are showing that you have given your best, Allah knows, because He knows bizat sudur. He knows what is happening in our chest, what is happening in our hearts. He knows that. So there's so much hope in this ayah as well. That Allah, and that is what somebody told me, that how do we do tafakkur and tadabbur in Allah's ayah? This is the way that you look, you go through each and every word, you connect it to the back. And that's how, and I'm telling you, you will enjoy it so much, inshallah. And you will, your connection with your creator and your connection with this book will completely change once you start pondering on ayahs of Allah. This ayah is giving you all hope. Do we have time? I think we will have to end it now. So we've done, because of the introduction, I took a long time in introduction, but without introduction, we couldn't have enjoyed this surah. So that's why I spent a lot of time in introduction, inshallah. And from next week, we'll spend more time in meaning and word to word and ayahs. But today, we were able to do two ayahs. But inshallah, tonight, when we read our Surah Al-Mulk, we will try to remember all the lessons, all the themes of Surah Al-Mulk, which we are supposed to, and based on which it will save us from the torment of Qabr and from the torments of Day of Judgment, inshallah. Okay, so are there any questions? You want to unmute yourself? Just one minute. Okay, so nobody wants to ask any question? No, bas bol rahe hain, mujhe maza aaya introduction mein, bahut maza aaya, because really mujhe hamesha hum padhte hi rehte hain, lekin introduction se at least pata to chala ki kyun किस लिए पढ़ रहे हैं ना, किस लिए पढ़ रहे हैं. सिर्फ पढ़ना नहीं है, क़िरात नहीं करनी है, इसको इंटरनलाइज करना है. नहीं, अच्छा, ये वही दुआएं जो हम लोग रोज ही पढ़ते हैं ज्यादा. हमें साहिब बनना है. वी हैव टू बिकम अ साहिब ऑफ दिस सूरा, जस्ट नॉट अ रिसाइटर. कारी नहीं बनना, साहिब बनना है. साहिब बोलते हैं फ्रेंड को, कंपेनियन को. वी वॉन्ट टू बी अ कंपेनियन ऑफ दिस सूरा, इंशाल्लाह. ओके, inshallah. We want to learn each and every word of it. We want to learn each and every message of it. And inshallah, this will be our key to Jannah. Inshallah. Okay? So much to think about. So much to think about, inshallah. So just think about it. Just think about it. And keep thinking about it, inshallah. Because the barakah of Quran and the methodology of Quran is ke wo har martaba different tarike se samajh mein aata hai. Maine jo kal likha tha aur jo maine aaj bola, that was completely it does, yeah. So that's what Quran,
You understand it in a different way every time. That's why we always pray to Allah before we start that Allah make it easy for us. Allah make it easy. 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 Allah make it easy.